Okay, good evening everyone. Any problems regarding the previous lecture? Neeraj, any problems regarding the previous lecture? Shalu, any problems? Any queries? Any doubts? Okay. Okay, we'll wait for 5 minutes, then we can begin with the third lecture. डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने जावा? इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके. और VizaiQ का डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने? आज हमारे साथ VizaiQ सपोर्ट टीम भी है, तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है इस लेक्चर के ट्रांसमिशन में वीडियो या ऑडियो से रिलेटेड, तो आप चैट विंडो में अपनी क्वेरीज या अपनी रिपोर्ट्स टाइप कर सकते हैं. गुड इवनिंग श्रीनिवास. स्पेशली जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अगर स्क्रीन शेयरिंग में कोई दिक्कत, कोई इश्यूज आते हैं, प्लीज टाइप द इश्यूज इन द चैट बॉक्स. VizaiQ support team is along with us, so any queries, any problems, they'll be handling it. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब लास्ट लेक्चर में जहां हमने स्टॉप करा था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं कि जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज होती हैं. पहली अप्रोच थी आप नोटपैड बेस्ड अप्रोच यूज करें। दूसरा था, मैंने कहा था आप आईडी यूज कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा अगर आप आईडी यूज करेंगे तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आईडी आपसे हाइड कर लेगा, तो वो सारे स्टेप्स, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नहीं गेन कर पाएंगे जब तक नोटपैड के थ्रू हम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ना करें। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर मैं बता देता हूं, आज इसका हम प्रैक्टिकल भी लेंगे। सबसे पहला काम, आपको नोटपैड ओपन करना होगा। नोटपैड ओपन करते वक्त आपको साफ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन चूज करें। डायरेक्टली अगर आपने क्लिक करके नोटपैड ओपन कर लिया तो जब आप प्रोग्राम लिखने के बाद उसे सेव करेंगे, क्योंकि उसे हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सेव करेंगे और प्रोग्राम फाइल्स विंडोज में एक प्रोटेक्टेड फोल्डर होता है, तो विंडोज आपके प्रोग्राम को सेव करने से मना कर देगी। विंडोज विल से यू कि आप इस एप्लीकेशन को यहां सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। तो आपको फिर से कोड टाइप करना पड़ेगा, फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे बेटर है आप ध्यान रखें जब भी आप नोटपैड ओपन करें तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन आप चूज करें। उसके बाद आपके सामने नोटपैड की विंडो आ जाएगी, उसमें आपको लिखना है अपना पहला जावा कोड, राइट। अब इस कोड का मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं लाइव कैसे इसको आप अपने सिस्टम पे रन करेंगे, ठीक। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने यहां पे लिखा, सबसे पहली बात जो इसको समझाने से पहले मैं आपको कहूंगा आप ध्यान दें, जावा एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। सो ऑल द टेक्स्ट विच यू टाइप इन योर कोड, उसमें अपर केस और लोअर केस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे इस पर्टिकुलर कोड की अगर मैं बात करूं तो इस कोड के अंदर सिर्फ 3 लेटर्स आपको अपर में दिखेंगे, एक टी ऑफ टेस्ट, एक एस ऑफ स्ट्रिंग और एक एस ऑफ सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, क्लास के नाम जावा में अपर केस से हम शुरू करते हैं। ये कोई रूल नहीं है बट ये गाइडलाइन है जिसे हमें मानना चाहिए, और एटलीस्ट जावा ने अपनी बिल्ट इन क्लासेस के लिए इस गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करा है। इसलिए ये जो आप स्ट्रिंग क्लास देख रहे हैं, ये जो आप सिस्टम क्लास का एस देख रहे हैं, दे कंपल्सरीली हैव टू बी इन अपर केस। आपने जो अपनी क्लास का नाम लिखा है, इट्स बेटर अगर आप उसका भी नाम शुरू करें विद अपर केस। तो जावा में ये 3 लेटर्स अपन ने अपर केस में लिखे हैं, रेस्ट ऑल द कोड इज मेंशन इन लोअर केस। ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट हेलो यूजर, ये टेक्स्ट है जैसे आप सी के प्रिंटफ में लिखते हैं, तो ये आप कैसे भी दे सकते हैं, चाहे अपर केस में दें चाहे लोअर केस में दें, लेकिन क्लास के नाम जावा में हमेशा स्टार्ट होते हैं विद अपर केस लेटर, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपन एक्सप्लोर करते हैं। आप सबसे पहली लाइन जो आप यहां लिखी हुई देख रहे हैं, दैट इज क्लास टेस्ट। जैसा मैंने कहा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एंड बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा में हर स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे वो क्लास की बॉडी के अंदर आना चाहिए। आई रिपीट, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये रूल होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट क्लास की बॉडी के बाहर नहीं लिख सकते। जो भी आपको लिखना है वो आप क्लास की बॉडी के अंदर लिखें। अगर आप रिकॉल कर पाएं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत पॉपुलर और कॉमन रूल होता है, और जिसको हम बुलाते हैं द रूल ऑफ एनकैप्सुलेशन। जावा इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, इसलिए जावा में आप कोई भी स्टेटमेंट क्लास की बॉडी के बाहर नहीं लिख सकते। इवन अगर आपको एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज इंट ए, ये स्टेटमेंट तक आप अपने प्रोग्राम में आउटसाइड द क्लास नहीं लिख पाएंगे। तो वॉट एवर यू राइट इन अ जावा प्रोग्राम ऑलवेज शुड बी विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। जो भी आप लिखेंगे वो क्लास बॉडी के अंदर आना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम की जो ओपनिंग लाइन है, दैट इज द कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द नेम टेस्ट। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, 4 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। मेन, जहां तक मैं रिकॉल कराऊं आपको, बिल्कुल सी की तरह जावा में भी मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट होता है। यानी जब भी जावा में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट आप करते हैं, द वेरी फर्स्ट मेथड विच गेट्स एग्जीक्यूटेड, जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, दैट इज ऑलवेज द मेन मेथड। इसलिए मेन मेथड आपके प्रोग्राम के अंदर होना जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा, ओके? अब आप अगर रिकॉल करें तो मेन के आगे आपको 3 नई चीजें दिख रही हैं, पब्लिक स्टैटिक और वॉइड। सबसे पहला डिस्कशन हम इन तीनों के ऊपर लेते हैं, व्हाट इज पब्लिक इन जावा, व्हाट इज स्टैटिक इन जावा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड। ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों कीवर्ड्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्यों लिखते हैं। सबसे पहले पब्लिक के बारे में बात करते हैं। पब्लिक, एज यू नो, जावा में आप अपने प्रोग्राम्स क्लास बॉडी के अंदर लिखते हैं, अपने मेथड्स क्लास के अंदर लिखते हैं। क्लास के अंदर की कोई भी चीज आउटसाइड द क्लास एक्सेस तभी हो पाएगी जब आप उसके आगे कीवर्ड यूज करेंगे पब्लिक। आई रिपीट, क्लास के अंदर की कोई भी चीज क्लास के बाहर से तभी एक्सेस हो पाएगी जब आप उसके अंदर कीवर्ड यूज करेंगे पब्लिक। अब आप रिकॉल करिए, जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा और जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, मेन इन जावा इज ऑलवेज कॉल्ड बाय जेवीएम। जेवीएम मेन को कॉल करेगा और जेवीएम मेन को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा जब तक के मेन के आगे आप ये कीवर्ड ना लगाएं, दैट इज पब्लिक। यानी जावा एक बहुत ही ऑनेस्ट लैंग्वेज है, आप ये कह सकते हैं। जावा अपने ऊपर भी वो रूल्स फॉलो करती है, अप्लाई करती है, जो वो आपको फॉलो करने को कहती है। और जावा का मानना है अगर कोई मेथड क्लास के अंदर है और उसे क्लास के बाहर से एक्सेस होना है तो एक कंपलसरी है कि उस मेथड के आगे अपन कीवर्ड यूज करें पब्लिक। अब यहाँ एक बेसिक सा कंफ्यूजन बिगिनर्स को होता है कि जावा में हमें हर मेथड के आगे पब्लिक लगाना है क्या? नहीं, हर मेथड के आगे नहीं लगाना है। बाकी मेथड्स आप प्राइवेट रखें, प्रोटेक्टेड रखें, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि बाकी मेथड्स को कॉल आप करेंगे। लेकिन जो मेन मेथड है उसे कॉल जेवीएम करेगा, क्योंकि जेवीएम मेन को कॉल करेगा, इसलिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मेन के आगे आप कीवर्ड यूज करें, दैट इज पब्लिक। क्या होगा अगर आप मेन को पब्लिक नहीं करेंगे? अगर मेन को आपने पब्लिक नहीं करा, सिर्फ आपने स्टैटिक वॉइड मेन लिखा या प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन लिखा या प्रोटेक्टेड स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, जावा कोड कंपाइल कर देगी लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको एरर मिलेगी और जावा की तरफ से मैसेज मिलेगा कि उसे वो मेन नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। और याद रखिएगा, जावा को जो मेन चाहिए उसके आगे ये तीनों कीवर्ड्स कंपल्सरी लगे होने चाहिए, पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड। अभी मैंने आपको सिर्फ पब्लिक समझाया है, लेकिन ये तीनों कीवर्ड्स जेवीएम के लिए जरूरी हैं, वरना वो मेन मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, वो मेन मेथड को किसी भी हालत में कॉल नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं जेवीएम मेन को प्रॉपर तरीके से कॉल कर पाए तो कंपलसरी है कि मेन के आगे आप कीवर्ड यूज करें विच इज पब्लिक। आई रिपीट, मेन कंपल्सरीली हैज टू बी पब्लिक इन जावा। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप जेवीएम के लिए कर रहे हैं। अगर मेन के अलावा आप कोई और मेथड बनाते हैं, जेवीएम उसे कॉल नहीं करेगा, उसे कॉल आप करेंगे। आप उसे प्राइवेट करें, पब्लिक करें, प्रोटेक्टेड करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेन कंपल्सरीली हैज टू बी पब्लिक। तो जब तक मेन पब्लिक नहीं होगा तब तक आप कभी भी मेन मेथड को जेवीएम से एक्सेस नहीं करा पाएंगे। अंकित, क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? इज द वॉइस क्लियर नाउ? Ankit, is the voice clear now? Ankit, are you able to hear me? Okay. So, public लिखना JVM के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेथड के लिए जरूरी है। बाकी मेथड्स आप डिसाइड करें, आपको उनको जो भी विजिबिलिटी देनी है वो आप दे सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए पब्लिक है क्या, तो जावा की वोकैबुलरी में पब्लिक इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर, राइट? C++ अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर आप पब्लिक को एक्सेस स्पेसिफायर बुलाते हैं। इन जावा वी डोंट हैव द वर्ड स्पेसिफायर, वी हैव द वर्ड मॉडिफायर। सो पब्लिक इन जावा इज एन एक्सेस मॉडिफायर जो ये एंश्योर करता है कि किसी भी मेथड या डेटा के आगे आप अगर इस कीवर्ड को लगाएं तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है। मेन को जेवीएम कॉल करेगा और जेवीएम मेन तक पहुंच पाए, वो मेन को एक्सेस कर पाए, इसलिए मेन का पब्लिक होना जरूरी है। अब आता है नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक, राइट? अब स्टैटिक समझने के लिए ऊप्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं, क्लास मेथड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड टू बी ऑफ टू टाइप्स। किसी भी क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो तरह के मेथड्स बना सकते हैं, या मैं मेथड के बारे में भी बताना चाहूंगा जिसे आप C++ या C लैंग्वेज में फंक्शन बुलाते हैं, उसे जावा में हम लोग बुलाया करते हैं मेथड। इसका डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं, जावा में हम फंक्शन वोकैबुलरी क्यों नहीं यूज करते हैं। जावा का यह मानना है फंक्शन उन मेथड्स को बुलाया जाएगा जो क्लास के बाहर हैं, और जो क्लास के अंदर हैं उन्हें कभी हम फंक्शन नहीं बुलाते हैं, उन्हें हम हमेशा बुलाते हैं मेथड्स। I repeat, in Java the word function can be used for those methods which are not part of a class. Those methods which are a part of class, they have to be called as methods. अब क्योंकि मैंने कहा Java ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो Java में आप एक वेरिएबल तक क्लास के बाहर नहीं बना सकते, तो फंक्शन तो बनाना बहुत दूर की बात है। तो क्योंकि Java में नो फंक्शन resides outside the class, हर फंक्शन हर मेथड क्लास बॉडी के अंदर बनता है, तो वोकैबुलरी वाइज हम जावा में कभी नहीं कहते हैं कि ये फंक्शन है। वी ऑलवेज ट्राई टू यूज द वर्ड मेथड। आपसे कोई सी में पूछता है मेन क्या है, तो आप जरूर बोलेंगे वो एक फंक्शन है, बट जावा में अगर कोई पूछता है मेन क्या है, या कोई भी मेथड का वो नाम लेता है, तो आप मेथड ही बोलेंगे, आप उसे कभी नहीं कहेंगे कि वो एक फंक्शन है। तो इस वोकैबुलरी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन जावा वी डोंट हैव फंक्शंस, वी हैव मेथड्स। अब मेथड्स क्लास में दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम ऊप्स पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि मेन में वो चीज यूज हो रही है। एक होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड्स, राइट, नॉन स्टैटिक मतलब जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। दूसरे होते हैं क्लास के स्टैटिक मेथड्स। मेथड्स आपको दो तरह के मिलते हैं, एक होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड और एक होते हैं क्लास के स्टैटिक मेथड्स, राइट। नॉन स्टैटिक मेथड्स अगर आप क्लास के अंदर बनाते हैं, तो इन मेथड्स को कॉल करने के लिए, लिसन केयरफुली, इन मेथड्स को कॉल करने के लिए आपको क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। इन मेथड्स को कॉल करने के लिए आपको क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। इस बात को मैं आपको C++ के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस। लेट्स से C++ में मैंने एक क्लास बनाई, क्लास A। C++ का कोड अपन लिखते हैं, छोटा सा एक, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। विद इन दिस ए क्लास, सपोज कीजिए मैंने पब्लिक सेक्शन में, C++ में आप पब्लिक ऐसे लिखते हैं, जावा में कोलन नहीं होता है, जावा में सीधे पब्लिक लिखा जाता है विदाउट यूजिंग कोलन। तो पब्लिक सेक्शन में आपने एक मेथड बनाया जिसका नाम आपने शो दिया। सपोज करिए आपकी क्लास के अंदर आपने एक मेथड C++ के अंदर डिजाइन करा, C++ की एक क्लास है मान लीजिए, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे शो नाम के मेथड को कॉल करना है, ये शो नाम का मेथड मुझे कॉल करना है। आप बताइए इसको मैं कैसे कॉल करूंगा। अगर आप C++ से बेसिक्स रिकॉल करें तो मुझे शो को कॉल करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, मुझे ए क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जो मैं लिखूंगा बाय राइटिंग AOBJ। उसके बाद मैं लिखूंगा OBJ.show, राइट। ऐसे लिखकर अपन शो को कर पाएंगे कॉल। आप सिंटेक्स में मत ध्यान दें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें कि शो को कॉल करने के लिए आपको ए क्लास का बनाना पड़ा है ऑब्जेक्ट। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप शो मेथड को कर पा रहे हैं कॉल, क्लियर। लेकिन अगर C++ में मैं इस शो के आगे एक छोटा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, मान लीजिए इसके आगे मैं कीवर्ड लिख दूं दैट इज स्टैटिक, इतना सा चेंज कर दूं, तो अब इसे कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बन चुका है क्लास का स्टैटिक मेंबर, इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की मुझे जरूरत नहीं रहेगी। अब ये कॉल कैसे होगा? ये कॉल डायरेक्टली होगा यूजिंग नेम ऑफ द क्लास। C++ की बात अगर मैं करूं तो C++ इसे कॉल करवाएगी A फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम दैट इज शो। ये C++ का स्टाइल होगा। सिंटेक्स फिर मैं कह रहा हूं इग्नोर करिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि C++ में अगर मेथड को आप स्टैटिक कर देते हैं, ओके अंकित, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसको स्टैटिक कर देते हैं तो इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोई मेथड आप नॉन स्टैटिक करते हैं तो उसे कॉल करने के लिए आपको क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो स्टैटिक मेथड्स बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होते हैं, इस बात को अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए। स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, वाइल नॉन स्टैटिक मेथड्स कैन ओनली एंड ओनली बी कॉल्ड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब आप अपने प्रोग्राम पे वापस आइए। नेम के आगे हम स्टैटिक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जेवीएम जब आपके प्रोग्राम को रन करेगा तो उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके थ्रू वो मेन को कॉल कर सके। जेवीएम के पास अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके थ्रू वो मेन को कॉल कर सके, और जेवीएम चाहता भी नहीं है कि सिर्फ एक मेथड मेन कॉल करने के लिए वो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि आप जावा में कुछ दिनों बाद जब ऊप्स पढ़ेंगे तब देखिएगा जावा में ऑब्जेक्ट बनाना काफी लेंदी होता है, काफी कम्बरसम होता है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। वो आप आगे पढ़ेंगे। तो क्योंकि जेवीएम सिर्फ मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, तो हमें मेन के आगे कीवर्ड यूज करना पड़ता है स्टैटिक। क्योंकि जेवीएम मेन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, इसलिए हमें मेन के आगे कीवर्ड यूज करना पड़ता है स्टैटिक। अगेन मैं कहूंगा, आप ये नहीं सोचे कि जावा में हर मेथड क्या स्टैटिक होता है। नो नो, नॉट एट ऑल। जावा में हर मेथड स्टैटिक नहीं होता, सिर्फ मेन को स्टैटिक हमें करना है। बाकी मेथड स्टैटिक होंगे कि नहीं होंगे ये क्लास डिजाइन करने वाला प्रोग्रामर तय करेगा। लेकिन क्योंकि मेन को जेवीएम कॉल करता है और जेवीएम ने पहले से तय करा है कि मेन ऑलवेज ऑलवेज हैज टू बी स्टैटिक। अगेन अगर आप कहें सर मैं स्टैटिक नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड रन नहीं होगा। जेवीएम मना कर देगा कोड को रन करने से, ये कहते हुए एरर दे देगा कि उसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का कोई मेथड नहीं मिल रहा और वो आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए फॉर जेवीएम, नॉट फॉर कंपाइलर, फॉर जेवीएम इट इज एसेंशियल मेन के आगे पब्लिक भी लगे और मेन के आगे स्टैटिक भी लगे। इज इट क्लियर? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैन आई गेट ए येस फ्रॉम एवरीवन इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? मेन स्टैटिक क्यों होता है, मेन पब्लिक क्यों होता है? राइट, ओके। अब अगर ये क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। C++ में मेन के आगे हाउ जेवीएम नो विच क्लास, ये आप आगे देखेंगे जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब क्लियर होगा। शालू, योर डाउट वुड बी क्लियर व्हेन वी लर्न हाउ टू रन द प्रोग्राम। जस्ट वेट फॉर 5 to 10 minutes, मैं एग्जीक्यूशन पे आ जाऊं, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, अब नाउ माय क्वेश्चन, C++ में मेन के आगे पब्लिक और स्टैटिक क्यों नहीं होते? ट्राई आंसरिंग दिस। जिनको भी C++ का आइडिया हो आप बताएं why in C++ we don't have the keywords public and static used with main method. जितना भी आप बता पाए, try answering this. Why in C++ we don't have public and static keywords along with main method? C++ में main के आगे public static क्यों नहीं होता है? Java में क्यों होता है? No answers? ओके, OS calls main. So public static क्यों नहीं होता रमाकांत? OS calls main, that's very very true. In C++ main का कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। पब्लिक और स्टैटिक मेन के आगे C++ में क्यों नहीं लगाते हैं? जावा में क्यों लगाते हैं? लिसन, यस नीरज, नो 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 नो, मेन C++ में पब्लिक नहीं होता। लिसन, आंसर इज पब्लिक और स्टैटिक उनके लिए चाहिए जो क्लास का पार्ट है। पब्लिक और स्टैटिक उन मेथड्स के लिए चाहिए जो क्लास का पार्ट है। आप याद करिए C++ में मेन क्लास का पार्ट होता ही नहीं है। जब वो क्लास का पार्ट ही नहीं है तो उसे प्राइवेट और पब्लिक करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्लस जब वो क्लास का पार्ट नहीं है तो उसे ऑब्जेक्ट से कॉल होने की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कॉल हो जाएगा डायरेक्टली। आई रिपीट, C++ में मेन क्लास के अंदर नहीं बनाया जाता क्योंकि C++ ऊप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है। उसमें हम मेन हमेशा क्लास के बाहर बनाते हैं। क्योंकि C++ में मेन आउटसाइड द क्लास होता है, उसे ना पब्लिक की जरूरत है ना स्टैटिक की जरूरत है। ये दोनों वो कीवर्ड्स हैं जो क्लास के मेथड्स के लिए आप यूज करते हैं। एनी मेथड विच इज नॉट पार्ट ऑफ अ क्लास वो कभी प्राइवेट मेथड नहीं होगा, इसलिए उसके पब्लिक बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। That is why in C++ main is always just void main or int main, while in Java it's always public static void main because it is a part of a class. इसका मतलब अगर हम ये इमेजिन कर लें कि फ्यूचर में C++ का नया वर्जन जो आएगा, मान लीजिए वो जावा जैसा हो जाए और उसमें मेन को क्लास में रख दिया जाए, तो उसमें भी मेन के आगे यूज होंगे पब्लिक एंड स्टैटिक। जैसा कभी आप .NET सीखिए, .NET में आपको दिखेगा .NET में मेन के आगे हमको कीवर्ड्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि .NET में मेन क्लास के अंदर बनता है, जबकि C++ में मेन C के अंदर भी मेन क्लास के बाहर बनता है। C में तो क्लास नाम की कोई चीज ही नहीं होती, C++ में होती है बट मेन क्लास का पार्ट नहीं होता, इसलिए वहां ना मेन के आगे हम पब्लिक लगाते हैं ना मेन के आगे हम स्टैटिक लगाते हैं। जबकि जावा में नथिंग कैन रिसाइड आउटसाइड द क्लास। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जावा में C++ की तरह मेन को बाहर ले आऊं तो मुझे यहां पे भी ये कीवर्ड्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आप ला ही नहीं सकते। आप एक लाइन का स्टेटमेंट आउटसाइड द क्लास लिखेंगे और कंपाइलर कोड कंपाइल तक करने से मना कर देगा, रन तो दूर की बात। इसलिए जावा में मेन हैज टू बी public and static, while in C++ these keywords are not at all required because main is not a part of class in C++ language. Is it clear everyone? ये concept clear हुआ? Clear? Okay. So let's move further. So public and static are essential for JVM ताकि JVM main को access कर सके। एक बार फिर repeat करते हैं, पब्लिक इसलिए कि वो मेन को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, मेन की विजिबिलिटी उसे प्रॉब्लम ना दे। स्टैटिक इसलिए कि मेन को एक्सेस करने के लिए उसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। दैट इज व्हाई मेन हैज टू बी पब्लिक एंड स्टैटिक, राइट? देन कम्स द थर्ड कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज वॉइड। आई होप आप इस कीवर्ड से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको, व्हाई डू वी यूज वॉइड। ओके, सबसे पहले void होता क्या है? void basically represents return type. void is nothing but return type. okay, return type का मतलब आपको याद होगा, method अपने caller को जो value return करता है वो उसकी return type से indicate होती है। method यानी main अपने caller यानी JVM को अगर कोई value return करता है तो वो उसकी return type से indicate होती है। जावा में स्ट्रिक्टली मेन जेवीएम को कुछ रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि मेन जेवीएम को कुछ रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न टाइप ऑफ मेन इन जावा इज ऑलवेज ऑलवेज वॉइड। आई रिपीट, क्योंकि मेन जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न टाइप ऑफ मेन इन जावा इज ऑलवेज ऑलवेज वॉइड। आप इसको C++ के साथ कंपेयर कीजिए। C++ में आपको याद होगा आप मेन को इंट मेन बनाते थे, आई होप यू रिमेंबर दिस। और इंट मेन लिखने के बाद, पूरा कोड लिखने के बाद, एट द एंड ऑफ योर कोड आप रिकॉल करिए C++ में लिखा जाता था रिटर्न 0। ओके, रिटर्न 0 का क्या मतलब है उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करिए कि वहां पे मेन की रिटर्न टाइप इंट होती थी, और क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है कुछ ना कुछ मेन को करना पड़ता था रिटर्न। जो आप नोटिस कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है यहां पर 0, ठीक। और आप चाहें तो इंट की जगह वॉइड भी लिख सकते हैं। कुछ कंपाइलर C++ में आपको इस बात की परमिशन देते हैं, राइट? तो इन C++ वी प्रोग्रामर्स आर अलाउड टू चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फ्रॉम इंट टू समथिंग एल्स। जावा इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। जावा के अंदर आप मेन की रिटर्न टाइप सिर्फ और सिर्फ रखेंगे वॉइड। अगेन अगर आपने पूछा सर मैं मान लीजिए वॉइड की जगह इंट लिख दूं तो क्या होगा, तो मेरा जवाब वही होगा, कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? आप मेन की रिटर्न टाइप जेवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं रख सकते। जेवीएम एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मेन उसे कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए मेन के आगे हम कीवर्ड लिखेंगे void। एक और जरूरी बात जो हम C++ के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं, C++ जैसी लैंग्वेजेस के अंदर आपको याद होगा आप सिर्फ मेन भी लिख पाते हैं। जस्ट मेन इज ऑल्सो अलाउड, खाली मेन लिखकर भी आप कोड चला सकते हैं। रिटर्न टाइप कंपाइलर बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम कर लेता है। रिटर्न टाइप C++ में कंपाइलर बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम कर लेता है। जावा इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानती है। मैं अभी तक आपसे ये कह रहा था कि आप void की जगह अगर कुछ लिखते हैं तो कंपाइलर कोड कंपाइल कर देगा, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आपको लगता है मैं कुछ ना लिखूं तो सिर्फ मेन लिख दूं, पब्लिक स्टैटिक मेन, तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा, रिटर्न टाइप मिसिंग का एरर मैसेज आ जाएगा और कंपल्सरीली आपको मेन के आगे रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी। सो इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। जावा में मेन की रिटर्न टाइप सिर्फ और सिर्फ आप void रखते हैं, क्योंकि JVM मेन से कोई वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेन रिटर्न करे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने मेन की रिटर्न टाइप void की जगह कुछ और कर दी, कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड रन नहीं होगा, क्योंकि JVM मेन को पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वो मेन है जो उसे कॉल करना है। उसे वो मेन चाहिए जिसके आगे void होगा। तीसरी बात, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखी रिटर्न टाइप ये सोचते हुए कि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप अपने आप मेन के आगे आ जाएगी, तो ये C और C++ में पॉसिबल था, जावा में ये पॉसिबल नहीं है। जावा में मेन के आगे रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगी। बिना रिटर्न टाइप मेंशन करे आप कभी भी अपने कोड को कंपाइल तक नहीं करा पाएंगे। सो आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो, सक्सेसफुली रन हो. इसके लिए जरूरी है कि मेन के आगे ये तीनों कीवर्ड्स आप लिखें विच आर पब्लिक, स्टैटिक एंड वॉइड. इसमें पब्लिक और स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर्स कहलाते हैं, वॉइड अपने आप में कहलाता है रिटर्न टाइप. ये सारे पॉइंट्स मैंने स्लाइड में लिख दिए हैं, अभी अपन उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे. आप अभी ध्यान से एक एक पॉइंट को सिर्फ सुन लीजिए. सो पब्लिक एंड स्टैटिक आर एक्सेस मॉडिफायर्स, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, और ये तीनों लिखना कंपलसरी है. अदरवाइज JVM विल नॉट बी एबल टू कॉल मेन. JVM मेन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा उसे एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा आपके प्रोग्राम में. कोड कंपाइल जरूर हो जाएगा लेकिन कोड रन नहीं होगा, राइट? सो ये तीनों कीवर्ड्स मेन के आगे आपको लिखने पड़ते हैं. नाउ कम्स द वर्ड मेन. जैसा मैंने बार बार कहा, मेन जावा में एक मेथड होता है. मेन आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट होता है. ये बात जावा ने एज इट इज इनहेरिट करी है फ्रॉम C and C++ लैंग्वेजेस. जैसे उन लैंग्वेजेस में होता था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता था, यहां भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है. दी ओनली डिफरेंस इज दैट वहां पर मेन वॉज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, while in Java, main is always called by JVM, right? अब main के parenthesis के अंदर आपको दिख रहा है string square bracket args. ये एक ऐसी चीज है जो आप अभी initial will पे नहीं समझ पाएंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा. सिर्फ मैं आपको दो बातें बताऊंगा, ये क्या है और इसमें string का क्या रोल है. अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा क्योंकि हम अभी इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं. ये डिस्कस करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 लेक्चर और पढ़ने पड़ेंगे, तब अपन डिस्कस करेंगे ये क्या है और ये हम मेन के साथ क्यों लिखते हैं. अभी मैं आपको बेसिक वोकैबुलरी इसकी बता देता हूं. व्हाट इज दिस, मीनिंग इसका क्या है, वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args. ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, इस पूरे को जावा में हम बुलाते हैं कमांड. सिर्फ मैं इसका आपको नाम बता रहा हूं, अभी मतलब नहीं समझा रहा हूं. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, इसे आप जावा में बुलाएंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. पहला पॉइंट जो आप याद रखें, इसमें जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं स्ट्रिंग, ये जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है. स्ट्रिंग इन जावा इज अ प्री डिफाइंड क्लास. प्री डिफाइंड समझ रहे होंगे आप, जो पहले से जावा के अंदर अवेलेबल है. तो स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट आपको याद ही होगा, आप सब C++ से बेसिक से फेमिलियर हैं. स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है दैट दिस इज एन एरे. ओके, और args जो आप देख रहे हैं वो आपके एरे का नाम है. args represents array name. तो अगर मैं कलेक्टिव वे में बोलूं तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args बता रहा है array ऑफ स्ट्रिंग्स. सिंपल, array ऑफ स्ट्रिंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args. बस एक चीज आपको अनयूजुअल लग रही होगी कि C और C++ में आप जब एरेज बनाते हैं तब आप एरे के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, राइट? जावा में यह भी अलाउड होता है, और जावा में द गुड थिंग इज दैट आप स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के पहले भी लगा सकते हैं. बोथ द डिक्लेरेशंस इन जावा आर वैलिड डिक्लेरेशन. तो आप मेन में भी चाहें तो ये कर सकते हैं कि args के पहले या args के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें. दो चीजें ध्यान रखिएगा जो आप नहीं कर पाएंगे. पहली चीज, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई साइज नहीं लिखनी है, कोई साइज नहीं लिखनी है. आप C++ जानते हैं वहां साइज देते थे, या नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे, ये हम एरेस के दौरान पढ़ेंगे, क्योंकि जावा में एरेस का कॉन्सेप्ट C++ के एरेस के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो एक तो आपको इसमें साइज नहीं देनी है. दूसरा, आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को ड्रॉप भी नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं खाली स्ट्रिंग args लिख दूं, वो नहीं चलेगा. अगेन कंपाइल होगा कोड लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. इसलिए स्ट्रिंग भी लिखना कंपलसरी है. और स्ट्रिंग में खास ध्यान दीजिएगा, द लेटर S इज कैपिटल. कैन यू टेल वाई लेटर S इज कैपिटल? वाई वी हैव टू राइट S इन कैपिटल, इन अपर केस? मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में इस बात को हाईलाइट करा था. वेरी गुड, बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द क्लास. तो इसका अल्फाबेट आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये एरे की पहचान है. आप क्या बदल सकते हैं ये मैं बता देता हूं. आप दो चीजें बदल सकते हैं. एक तो ये जो नाम आप देख रहे हैं args, ये बदला जा सकता है. आप कोई भी नाम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप मेन के पैरामीटर में बहुत आराम से लिख सकते हैं. very easily within main you can write स्ट्रिंग ओके स्क्वायर ब्रैकेट एक्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ओके. बट यू कांट लीव स्क्वायर ब्रैकेट्स, Ankit, have you checked your connection? हेलो अंकित, आपने कनेक्शन चेक करा अपना? Just a moment everyone, Ankit is facing some kind of problems, so I'm trying to resolve that. Okay, तो आप कनेक्शन चेक करिएगा अंकित. Okay, बाकी आपका नंबर यहाँ पर है, मैं क्लास के बाद आई विल कॉल यू. या सो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स आप लिख सकते हैं राइट तो आप नाम ARGS की जगह कोई भी यूज कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर राइट. स्क्वायर ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, नाम कोई भी चलेगा और क्लास का नाम आपको हमेशा कैपिटल S से स्टार्ट करना है क्योंकि जावा की ये एक प्री डिफाइंड क्लास है राइट इससे ज्यादा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS के बारे में अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. बट ध्यान रखिएगा, हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसे लिखना पड़ेगा. अनलेस एंड अनटिल आप इसे लिखें आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा, कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा. इसलिए पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, ऑल ऑफ देम आर कंपल्सरी. अब आप क्या क्या बदल सकते हैं, जैसा मैंने कहा, एक तो आप यहां पर चेंज ये कर सकते हैं कि आप ARGS की जगह कोई भी नाम यूज कर लें, दैट इज अलाउड. स्क्वायर ब्रैकेट ARGS के पहले या बाद में कहीं भी लग सकते हैं. ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, पब्लिक और स्टैटिक जो कीवर्ड्स हैं दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. आई रिपीट, public or static, they can be used interchangeably. So मैं chat window में type कर रहा हूँ, you can also write public static, void main, that is also allowed, fine, or you also can type static public void main. Static और public के order को आप interchange कर सकते हैं, जैसे आप interchange कर सकते हैं square bracket और array के नाम को, ठीक? इसके अलावा कोई भी change main method में allowed नहीं है, अगर करा कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? ये पूरी लाइन क्लियर हो गई मेन की. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? या शालू, आस्क योर क्वेश्चन शालू. इन स्क्वायर ब्रैकेट ARR एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट ARR. या बस जब आप लिखते हैं तो व्हाट जावा रिकमेंड्स इज द सेकंड वन. जो स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करते हैं जावा सेकंड वाली अप्रोच को रिकमेंड करती है. बाकी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा जब हम एरेस पढ़ेंगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. टेक्निकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जावा प्रेफर करती है कि आप यूज करें सेकंड अप्रोच. ओके, अब आते हैं मेन के अंदर. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट. ये जो आप देख रहे हैं करली ब्रेस, सिंस मेन इज अ मेथड, ये ब्रेस बता रहा है कि मेन यहां से स्टार्ट हो रहा है. द ब्रेस इज इंडिकेटिंग दैट मेन बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट. ये वाला ब्रेस ये बता रहा है ये मेन की एंडिंग है. यानी जावा भी बिल्कुल सी की तरह ये रूल फॉलो करती है कि जब आप कोई मेथड डिफाइन करना शुरू करें तो उसे स्टार्ट करें विद ओपनिंग ब्रेस और उसे फिनिश करें विद अ क्लोजिंग ब्रेस. तो ये मेन की फिनिशिंग का ब्रेस है और वो मेन के स्टार्टिंग का ब्रेस है. ओके अब अंदर आपको दिखेगा और एक स्टेटमेंट system.out.println. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस system.out.println. ओके, system.out.println. लिसन केयरफुली. सिस्टम ये जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है. प्री डिफाइंड क्लास जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी स्ट्रिंग क्लास. तो सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा. डॉट आउट, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी टेम्परली आप इसे ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं. ओके लेकिन अपने नोट्स में या किसी भी इंटरव्यू में आप इसे ऑब्जेक्ट ना बुलाएं. आप इसे नाम दें ऑब्जेक्ट रेफरेंस. आउट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट रेफरेंस. अगेन थोड़े से आप लेक्चर्स के लिए वेट कर लीजिए. जब हम ऊप स्टार्ट करेंगे तब हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस. C++ में आप इसे ऑब्जेक्ट बुलाते हैं. जावा में हम इसे ऑब्जेक्ट ना बुलाकर ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम दिया करते हैं. अगेन मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने दीजिए. एट दैट पॉइंट विल डिस्कस हाउ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंसेज आर डिफरेंट देन ईच अदर. अभी के लिए बस आप नोट्स में और ऑफिशियली इसे याद रखें इट्स एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट एन ऑब्जेक्ट. हालांकि क्लास में अपन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होकर इसको ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं बट टेक्निकली इट्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट? तो सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है. आउट के आगे फिर एक डॉट है, उस डॉट के आगे लिखा हुआ है println. अब आप लेक्चर अगर समझ रहे हो तो क्योंकि println के आगे पैरेंथेसिस है, println जावा में एक मेथड हो गया. सी होती तो आप इसे एक फंक्शन बुलाते बट इन जावा println डिनोट्स दैट इट इज अ मेथड. सो सिस्टम एक क्लास, आउट एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, println एक मेथड. तीनों को मिलाकर जब आप लिखते हैं तब आपको वो फीचर मिलता है जो सी लैंग्वेज में अगर आपको याद हो तो आपको मिलता है वाया printf या C++ अगर आपको याद हो तो आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ cout. आप रिकॉल करिए printf और cout ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? ट्राई आंसरिंग दिस. printf और cout का कॉमन फीचर क्या है? व्हाट दे बोथ ऑफ देम डू? एग्जैक्टली, बोथ ऑफ देम दे प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल. दैट इज दे आर यूज्ड फॉर कंसोल output. Similarly for console output in Java we make use of system.out.println. ये पूरा आपको लिखना है. अगेन आपके दिमाग में क्वेरी आएगी system.out.println इतना लेंदी क्यों लिखना है, सिस्टम का आउट से, आउट का println से क्या रिलेशन है. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जावा में स्टैटिक कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझ लेंगे. अभी के लिए बस इतना याद रखिए, द सेम फंक्शनैलिटी विच इज ऑफर्ड बाय द फंक्शन printf इज ऑफर्ड बाय system.out.println इन जावा. इसमें तीनों अलग अलग फीचर्स हैं. सिस्टम जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड println इन जावा इज अ मेथड. राइट, सो system.out.println. अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको टेक्स्ट दिखेगा बिल्कुल वैसा जैसा आप printf वगैरह में लिखते हैं. सो डबल कोट्स ओपन करा, डबल कोट्स के अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया दैट इज हेलो यूजर, पैरेंथेसिस बंद और एक सेमीकोलन. नाउ व्हाट इज सेमीकोलन इंडिकेटिंग हियर? ट्राई आंसरिंग दिस. बिल्कुल सेम सी वाला कॉन्सेप्ट है. सेमीकोलन इज इंडिकेटिंग, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन व्हाट इज सेमीकोलन इंडिकेटिंग हियर? एंड ऑफ द स्टेटमेंट एज वेल एज इट इज आल्सो इंडिकेटिंग दैट दिस इज a method call. You are calling a method. Whenever we call a method, we always put a semicolon. Whenever we define a method, we always start it with opening curly brace. Right? तो main भी एक method हुआ, println भी एक method हुआ. But main को आप define कर रहे हैं. You are creating main, but you are not creating println. You are calling println. Right? So println के end में आपको देना होगा एक semicolon. ठीक है? उसके बाद main को आपने close कर दिया और क्लास को आपने क्लोज कर दिया. ठीक, अब एक बहुत माइन्यूट सा लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा C++ और जावा की क्लास में. कैन यू नोट इट? आप बताएं, एक बेसिक सा डिफरेंस दिख रहा होगा जावा की क्लास और C++ की क्लास में. द वेरी बेसिक डिफरेंस. मेन इज इनसाइड द क्लास. वेरी गुड, दैट्स ट्रू. दैट इज ऑल्सो ओके. नो वेरिएबल. Although in C++ also we can have a class without variables. ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल डिफरेंस आपने बता दिया. मैं तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस पूछ रहा हूँ. C++ में आपको याद होगा, लेट मी टेल, C++ में आपको ध्यान होगा आप क्लास के बाद एक सेमीकोलन लगाते थे. C++ में वी यूज टू टर्मिनेट अवर क्लास विद अ सेमीकोलन. इन जावा नोटिस वी डोंट हैव एनी सेमीकोलन आफ्टर द क्लास बॉडी. क्लास की बॉडी जब फिनिश हो रही है तो आप कोई सेमीकोलन नहीं लगाते हैं. कैन यू गेस द रीजन? C++ में सेमीकोलन क्यों लगता था, जावा में क्यों नहीं लगता है? एनी आंसर फ्रॉम एवरीवन? C++ में सेमीकोलन क्लास के बाद लगाया जाता है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं लगाते हैं तो एरर आती है. जावा में नहीं लगाते हैं हम. व्हाई? एनी आंसर्स? ओके, लिसन. C++ में जब आप क्लास बनाते हैं तो आप क्लास डिक्लेयर कर रहे होते हैं. आई रिपीट, C++ में जब आप क्लास की कोडिंग करते हैं तो हम टेक्निकली बोलते हैं वी आर डिक्लेयरिंग द क्लास. और आपको ध्यान होगा वेन एवर वी डिक्लेयर समथिंग वी ऑलवेज टर्मिनेट इट विद अ सेमीकोलन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मैंने एक स्टेटमेंट लिखा C++ में int a, राइट, इसके आगे सेमीकोलन लगेगा. करेक्ट? Why? Because this is declaration. Similarly, C++ में जब आप क्लास बनाते हैं कोई, लेट्स से आपने एक क्लास बनाई A के नाम से, ब्रेस ओपन करा, अंदर कुछ कोड लिखा, ब्रेस बंद करा और यहां सेमीकोलन लगाते हैं आप क्योंकि ये क्लास डिक्लेयर हो रही है. जावा में क्लास डिक्लेयर नहीं होती है, जावा में क्लास डिफाइन होती है. बिकॉज इन जावा वी डिफाइन अवर क्लास, देयर इज नो नीड टू पुट अ सेमीकोलन आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द क्लास. आपको कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास को डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशन सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती है. इसलिए जावा में एट द एंड ऑफ द क्लास बॉडी नो सेमीकोलन इज नीडेड. क्लियर? सिवाय स्ट्रिंग /args के. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी. एनी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो अगर, बस स्ट्रिंग args आप छोड़ दीजिएगा. अदर देन दैट एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग, गो अहेड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. इन जावा वी डोंट हैव मेथड डिक्लेरेशन. शालू, जावा में हम सीधे मेथड्स को डिफाइन करते हैं और क्लासेस को भी हम सीधे डिफाइन करते हैं. जावा में वो डिक्लेयर नहीं होती है. राइट? इन जावा वी डोंट हैव डिक्लेरेशंस. जावा में सिर्फ वेरिएबल्स के होते हैं. मेथड्स और क्लास दोनों को सीधे डिफाइन करा जाता है और मेथड है तो उसे कॉल भी करा जाता है. Clear? Okay, so let's move further. अब ये जो भी मैंने आपको बताया ये स्लाइड में उसके नोट्स है. लेट्स गो थ्रू दैट. जैसा मैंने कहा जावा एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. जावा में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपर केस और लोअर केस का. 3 लेटर्स कंपलसरी अपर केस में हैं, जिनमें से एक है टी ऑफ टेस्ट, एस ऑफ स्ट्रिंग एंड एस ऑफ सिस्टम. ऑल 3 ऑफ देम हैव टू बी इन अपर केस, राइट? रीजन मैंने बता ही दिया आपको, बिकॉज जावा always forces that class names must begin with an uppercase letter. Next point, class test है. जावा encapsulation को strictly follow करती है, तो जावा के हर प्रोग्राम में एटलीस्ट एक क्लास होनी चाहिए और जो कुछ भी आप लिखें इट शुड अपियर विद इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेस ऑफ द क्लास. ओके, देन सेकेंड स्टेटमेंट वॉज पब्लिक स्टैटिक void. पब्लिक स्टैटिक एंड void जावा के अंदर कीवर्ड्स हैं. मेन जावा के अंदर एक मेथड है. जैसे C++ में प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, जावा में भी मेन से स्टार्ट होता है. दी ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज कॉल्ड बाय JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. जो ब्लू में है दे आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स और हर एक का अपना पर्पस, अपना मीनिंग है मेन के आगे लगाने का. ओके, किसका क्या मीनिंग है आगे की स्लाइड्स में है, जैसा अपन ने डिस्कस करा. पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी मेथड को अगर आप पब्लिक करते हैं तो इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. सो क्योंकि मेन एक मेथड है, उसे क्लास के बाहर से एक्सेस होना है, इसलिए उसके आगे यूज करना है कीवर्ड पब्लिक, ताकि JVM मेन को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सके. ओके, देन वाई मेन इज स्टैटिक इन जावा. एज आई सेड, एवरी क्लास कैन हैव 2 काइंड्स ऑफ मेथड, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक. Static methods are always called using object of the class. Okay? While non-static method, sorry. While a static method can always be called without creating any object. Non-static को object चाहिए, static बिना object के call हो जाएगा, simply class के नाम से. जब JVM main को call करता है तो आपकी class का कोई object अभी तक नहीं बना है, इसलिए JVM चाहता है कि main के आगे आप static लगाएं ताकि JVM मेन को बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली कॉल कर सके, राइट? देन थर्ड थिंग व्हाई वी हैव रिटन void इन फ्रंट ऑफ मेन. तो void अपने आप में रिटर्न टाइप है. सिंस मेन मेथड इन जावा इज नॉट सपोज टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द JVM, इट इज मेड void, विच सिंपली मीन्स मेन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. क्योंकि मेन जावा में कोई वैल्यू JVM को नहीं देता है, इसलिए अपन मेन को void करते हैं ताकि मेन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे. ये void से इंडिकेट होता है. क्लियर? अब आपके लिए क्वेश्चन, कैन वी चेंज और रिमूव द कीवर्ड्स विच आर रिटन विद मेन? क्या मेन के आगे जो कीवर्ड्स हैं हम उन्हें हटा सकते हैं? राइट, नो वी कैन नॉट डू दैट. परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, right? Why? This is because main is called by JVM, and to allow JVM to successfully call main, these keywords are important. If we forget to write these keywords, then although the code will compile, but the code will fail to run. ये keywords JVM के लिए चाहिए, compiler के लिए नहीं चाहिए. Okay? void के अलावा void चाहिए. Compiler आपको कुछ भी नहीं लिखेंगे तो compile नहीं करेगा. int वगैरह लिख देंगे तो compile कर देगा but run नहीं करेगा. ओके, और आप क्या चेंज कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा, आप ऑर्डर बदल सकते हैं पब्लिक और स्टैटिक का. इट कुड बी पब्लिक स्टैटिक, इट कुड बी स्टैटिक पब्लिक. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्ट्रिंग ARGS? तो स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास. सो द स्टेटमेंट स्ट्रिंग ARGS इज डिक्लेयरिंग ARGS टू बी एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट और कमांड लाइन डिस्कस करेंगे. बहुत ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही क्लासेस में स्टार्ट हो जाएगा. ओके अभी के लिए बस आप ये याद रखिए, स्ट्रिंग ARGS प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज द कोड विल नॉट रन ऑल्दो इट विल कंपाइल. इसमें से क्या बदल सकते हैं अपन? जैसे कीवर्ड्स कंपलसरी है, ऐसे ये लिखना कंपलसरी है. आप सिर्फ बदल सकते हैं ARGS का नाम, वन थिंग, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट भी चलेगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS भी चलेगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट STR, स्ट्रिंग STR स्क्वायर ब्रैकेट, एवरीथिंग इज वैलिड, सब कुछ चलेगा. बस आप इसे ड्रॉप नहीं कर सकते, स्क्वायर ब्रैकेट हटा नहीं सकते. क्लियर? Any queries, any doubts? स्क्वायर ब्रैकेट बताता है एरे है शालू। C डबल प्लस में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आप ये बताइए C डबल प्लस में स्ट्रिंग S इक्वल टू हेलो यूजर से एक ऑब्जेक्ट बना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बने? राइटिंग स्ट्रिंग S इक्वल टू हेलो यूजर विल क्रिएट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास? शालू, राइटिंग स्ट्रिंग S इक्वल टू हेलो यूजर विल क्रिएट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास? वन ऑब्जेक्ट, राइट? बट इन जावा इट्स एन एरे। आई मेंशन ना ARGS represents it's an array of strings. In the previous slide अगर आपने नोटिस करा हो, let me go back. ARGS declares ARGS to be an array of strings. That is why square bracket is needed. अब क्यों ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जावा स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगवाती है, वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, फाइन। देन नेक्स्ट पार्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ये जनरल सिंटेक्स है। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमेशा लिखेंगे जब भी आपको कंसोल पे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है। ओके, इसमें सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है। आउट, जैसा मैंने कहा, इट्स एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। प्रिंटलन, इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड। कलेक्टिवली ऑल थ्री ऑफ देम आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट ऑन कंसोल विंडो। क्लियर? इसकी डिटेल जैसा मैंने लिखा है आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम बेसिक्स और स्टैटिक कीवर्ड डिस्कस कर लेंगे, तब जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको वापस वाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हैज टू बी रिटन। सी डबल प्लस में तो हम सिर्फ सी आउट लिखते थे, यहां इतना लंबा क्यों लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, अब ये मैंने मार्किंग कर दी है पूरी स्लाइड्स के अंदर कौन सी चीज इसमें क्या डिनोट कर रही है। सो एज आई मेंशन, टेस्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, पब्लिक स्टैटिक आर एक्सेस मॉडिफायर्स, void is return type, main is method name, string args arguments of method main. Okay, system again it's a predefined class, out object reference not object, println is a method, and the text hello user is the message to be displayed. Okay, now let's have a series of quiz. Try answering this. Does every method in Java has to be public, static and void? जो कीवर्ड्स हम मेन के आगे लिखते हैं, इज इट कंपल्सरी वो सभी मेथड्स के आगे लिखे जाएं? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। रमाकांत, योगेंद्र, ट्राई आंसरिंग दिस। डज एवरी मेथड इन जावा हैज टू बी पब्लिक, स्टैटिक एंड वॉइड? Right, that's true. That's very true. So the answer is no. Discussion इसका ये है, it is not a compulsion, although आप ऐसा कर सकते हैं, but ये जरूरी नहीं है, right? Main के आगे ऐसा करना जरूरी है क्योंकि main JVM कॉल करेगा और ये JVM के prerequisites हैं कि main public, static और void तीनों होगा। बाकी जितने भी methods आप बनाते हैं, आप decide करेंगे इनके आगे इनमें से कौन कौन से कीवर्ड को आप लगाएं। कैसे, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल अ जावा प्रोग्राम कंपाइल विदाउट मेन? मैंने क्लास बनाई, क्लास के अंदर शो नाम का एक मेथड बनाया, मेन नहीं बनाया। विल माई कोड कंपाइल? विल माई प्रोग्राम कंपाइल इफ इट इज नॉट हैविंग मेन? परफेक्टली ट्रू। द आंसर इज यस, इट विल कंपाइल, बट as I said, it cannot be executed because main is the entry point and JVM always requires main method. Okay? Next question. Be very careful while answering this. थोड़ा सा tricky है तो question को अच्छे से पढ़िएगा। इनमें से कौन कौन सा declaration compiler के लिए main का correct है? ऐसे कौन कौन से main है जो हम लिखेंगे तो code error नहीं देगा compile time पे? You can give multiple answers also. ABEG. Shalu is saying ABEG. Okay. Ramakant is also saying ABEG. What about others? ABEG. Okay. What about Srinivas? A B easy. A B C easy. Answer is all are correct. आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं. जावा कंपाइलर के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि मेन में पब्लिक है कि प्राइवेट है कि स्टैटिक है वॉइड है क्या है. कंपाइलर के लिए जो आपने आंसर्स दिए हैं वो जेवीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. फॉर कंपाइलर मेन एक मेथड है, मेथड के लिए एक रिटर्न टाइप होनी चाहिए, एक नाम होना चाहिए, वो है. बाकी जो भी आप लगाते हैं वो लगाएं ना लगाएं, कंपाइलर इज लीस्ट बॉदर्ड क्योंकि कंपाइलेशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही है. सो ऑल आर करेक्ट बिकॉज द वर्ड वॉज जावा कंपाइलर. नाउ द सेम क्वेश्चन for JVM. Now, try answering this. For JVM, what all versions of main are correct? Shalu says ABEG. Neeraj ABEG. Okay. Ramakant ABEG. वेरी ट्रू. ए बी ई जी. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ सी? सी के साथ प्रॉब्लम क्या है? सी क्यों गलत है? राइट, रिटर्न टाइप इज इंट और जेवीएम मेन से कोई वैल्यू एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वो रिटर्न करे. वेरी गुड. व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ एफ? वाई एफ इज रॉन्ग? एफ क्यों गलत है? आई विल एक्सप्लेन लेटर. ये तो मैंने अभी बताया ना, बिकॉज एफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट ही क्यों चाहिए दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. नाइस आंसर शालू. ओके एंड ओके रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट. व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ डी? वाई डी इज नॉट एक्सेप्टेबल? सेम प्रॉब्लम. नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नाम या ARGS लिया या X लिया है. द मेन थिंग इज स्क्वायर ब्रैकेट इज मिसिंग. करेक्ट. सो मेन के साथ हर हाल में ये चीजें होनी चाहिए. पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, नाम कोई भी चलेगा. ओके, तो ये था आपके फर्स्ट प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंपाइलेशन एज वेल एज एग्जीक्यूशन. ये तो मैंने लास्ट लेक्चर आपका कवर अप करा जो रिमेनिंग पोर्शन था. नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. अब आज आपको सोर्स कोड सेव कैसे करना है ये बताऊंगा मैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा होगा. प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो क्या क्या काम होते हैं, इंटरनली क्या कुछ होता है. यही कारण था कि मैं आपसे अभी तक आईडी यूज करने को नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमें नोटपैड पे ही समझ में आएगा ये पूरा स्टेप डिटेल में. देन जावा में कोड रन कैसे करते हैं, क्या होता है जब कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, कुछ कॉमन एरर्स जो बिगनर से हो जाती हैं जावा में कोड लिखते लिखते, तो वो एरर्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अगर उन एरर्स को कभी आप गलती से कर भी दें तो आप समझ पाएं खुद ही आपने कहाँ क्या गलती की है. और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी तक मैंने कवर अप नहीं करे फर्स्ट प्रोग्राम को समझाते वक्त. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, सेविंग द सोर्स कोड. अब जावा में जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे. दो जगहों पर आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ, गलतफहमी इस पॉइंट से आपकी दूर होगी. आप इसे या तो सेव कर सकते हैं JDK के बिन में. आई होप आप लोगों ने जावा इंस्टॉल कर ली होगी. जावा इंस्टॉल करते ही आपके सिस्टम में दो फोल्डर्स आए होंगे, एक JDK और एक JRE. आप सबने देखा जावा इंस्टॉल होकर ये दो फोल्डर्स बने. आर दीज फोल्डर्स प्रेजेंट इन योर सिस्टम? जावा फोल्डर में JDK और JRE. राइट, तो या तो आप सेव करेंगे JDK के बिन में. ध्यान रखिएगा JDK के बिन में, वहां JRE में भी एक बिन होता है, उसमें नहीं जाना है आपको. तो JDK के बिन में सेव करना है कोड आपको. राइट, या फिर आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं कहीं पे भी अपनी मशीन में, यानी किसी भी लोकेशन, किसी भी ड्राइव, किसी भी फोल्डर में. लेकिन ऐसा करने के लिए आपको फिर पाथ नाम की एक सेटिंग करनी पड़ेगी. अब मैं किस मिथ की बात कर रहा था? लोग नॉर्मली ये कहते हैं जावा में प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए पाथ सेट करना पड़ता है. ये बिल्कुल गलत बात है. जावा में तब तक पाथ नाम की चीज सेट नहीं करनी पड़ती जब तक आप प्रोग्राम को बिन के अंदर सेव कर रहे हैं. अगर आप बिन के बाहर सेव करते हैं, जो हम करेंगे पैकेजेस पढ़ते वक्त, तब आपको ये पाथ नाम की चीज सेट करनी पड़ेगी. तो ये गलतफहमी हटाइएगा दिमाग से कि जावा में पाथ सेट करे बिना प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं. दैट्स फॉल्स एजम्पशन. जावा में प्रोग्राम तब जरूर नहीं चलेगा जब उसे आप बिन के बाहर सेव करेंगे, बट अगर आपने उसे बिन के अंदर सेव करा है तो आपका प्रोग्राम बिना कोई और एक्स्ट्रा चीज सेट करे, वरना मैं आपको लास्ट लेक्चर में उसे सेट करना सिखा देता, बिना कोई चीज सेट करे चल जाएगा. मैं आपको दोनों प्रोसेसेस सिखाऊंगा. इनिशियली आप जेडीके के अंदर वाले प्रोसेस को लेंगे, उसके बाद मैं आपको उसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा, फिर अपन सेकंड वाली अप्रोच पे चलेंगे जब हम पैकेजेस नाम के कॉन्सेप्ट को जावा में सीख रहे होंगे. टिल पैकेजेस हम अपने प्रोग्राम्स को बिन में ही करा करेंगे सेव. सो प्रोग्राम दो जगहों पर सेव हो सकता है, ईदर विद इन बिन डायरेक्टरी ऑफ जेडीके और एनीवेयर इन योर मशीन, बट फॉर दैट आपको पाथ नाम की सेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कोड आपका कंपाइल नहीं होगा. ओके अब प्रोग्राम को आप बिन में जब सेव करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? जब प्रोग्राम को आप बिन में सेव करेंगे तो प्रोग्राम का आपको नाम देना पड़ेगा. नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो नाम आपको पसंद आए, बस एक्सटेंशन होना चाहिए इसका डॉट जावा. अब यहां पे भी एक बहुत बड़ा मिथ है, वो मैं दूर करता हूं. आपने अगर थोड़ी बहुत जावा पढ़ी हो या कभी सुना हो तो कई लोग जावा में ये गलतफहमी रखते हैं कि प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम के जैसा होना चाहिए. ये बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे. ये बिल्कुल सही नहीं है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए. लोग ऐसा करना प्रेफर करते हैं. क्यों प्रेफर करते हैं वो आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. जब रन करने का प्रोसेस हम समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है कि प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखें तो बेटर माना जाता है. बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, एक गाइडलाइन है जो लोग जनरली फॉलो करते हैं, राइट? इसलिए अगर मेरे क्लास का नाम टेस्ट है और मैं प्रोग्राम का नाम demo.java रखता हूं तो भी कुछ गलत नहीं है, कोड तो भी चलेगा. बस मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी पड़ेगी प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते वक्त. बट अगर मैंने प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखा है तो थोड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन. ये बात मैंने स्लाइड में मेंशन भी करी है. इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस, इट्स जस्ट अ जनरल चॉइस, इट्स नॉट एट ऑल अ रूल. ओके, हम भी इस जनरल चॉइस को फॉलो करेंगे. ऑल्दो आप चाहें तो कोई भी नाम अपने प्रोग्राम का दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्लास के नाम से मैच करे ही करे. ओके सो अपने प्रोग्राम की बात अगर अपन करें तो अपन प्रोग्राम का नाम देंगे test.java. या मैंने और एक चीज मेंशन करी है कि जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे नोटपैड में तो डबल कोट्स का यूज करना ना भूलें. रीजन इसका यह है कि नोटपैड आपके प्रोग्राम के एंड में या फाइल के एंड में txt एक्सटेंशन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर देता है कई बार. ओके तो अगर आपने लिखा बिना डबल कोट्स के test.java तो नोटपैड उसे बना देगा test.java.txt और वो फिर कंपाइलेशन में प्रॉब्लम देगा. इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आप प्रोग्राम को जब भी सेव करें डबल कोट्स में करें. और जो मैंने पहले की स्लाइड में कहा था वो मत भूलिएगा कि नोटपैड ओपन करें तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आप ओपन करें. ओके प्रोग्राम को जब सेव करें तो डबल कोट्स में नाम दें test.java. ठीक, test.java की जगह कोई भी नाम चलेगा, बस एक्सटेंशन कंपल्सरीली हैज टू बी .java, वरना कंपाइलर कोड रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा, कोड कंपाइल भी नहीं होगा. ओके अब ये तो हुई सेव करने की बात. आप बिन में गए, डबल कोट्स में आपने प्रोग्राम का नाम दे दिया test.java. अब बात करते हैं कोड कंपाइल कैसे होगा. आप स्लाइड पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं. कोड कंपाइल करने के लिए आपको सबसे पहले कमांड विंडो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, जो मैंने कल भी करा था जावा इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट करने के लिए. ओके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना बहुत सिंपल है. आप रन में जाएंगे और सीधे सीधे cmd टाइप करेंगे. अगेन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चूज करना है आपको यहां भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. अगेन जावा की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम विद विंडोज. ये विंडोज की दिक्कत है, विंडोज की प्रॉब्लम है. ओके तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. अब आपको जेडीके के फोल्डर में जाना होगा. वो जाने के लिए आपको कुछ कमांड्स लिखने होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. आप इन्हें नोट कर लें. स्लाइड आपको कल मेल होगी, हो सकता है प्रैक्टिकल आप आज करें, तो आप ये कमांड्स प्लीज नोट कर लीजिए. cd बैकस्लैश लिखेंगे, एंटर स्ट्राइक करेंगे, इसके बाद एंटर आएगा. जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आप आ जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर, सॉरी आप आ जाएंगे रूट ड्राइव में. रूट ड्राइव में आने के बाद फिर आप लिखेंगे cd प्रोग्राम फाइल्स. ठीक, प्रोग्राम फाइल्स पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कल भी कहा था. आप pr लिखकर टैब दबा दीजिएगा. जैसे ही आप ये करेंगे प्रोग्राम फाइल्स में आप होंगे. इसके बाद फिर एंटर स्ट्राइक कर दीजिएगा, राइट? एंटर स्ट्राइक करने के बाद आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आएंगे. फिर लिखेंगे आप cd जावा. अगेन एंटर स्ट्राइक कर दीजिएगा. cd जावा लिखने के बाद आप जावा फोल्डर में होंगे. फिर cd jdk 1.8.0. अब इसके आगे आपको शायद देना पड़ेगा underscore 66. क्योंकि आपने लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करा होगा। तो यहाँ इसके आगे _66 आ जाएगा, एंटर स्ट्राइक करिएगा, आप जेडीके में होंगे, सीडी बिन एंटर स्ट्राइक करिएगा तो आप बिन फोल्डर के अंदर होंगे। यहां तक आपको आना है, ये कमांड आपको हर बार लिखने हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा। अभी बस ये ध्यान रख लीजिए, आपको ये कुछ सीडी कमांड्स होंगे, सीडी स्टैंड फॉर चेन डायरेक्टरी, जिसको टाइप करना होगा अपनी लोकेशन बिन की लोकेशन पे कन्वर्ट करने के लिए। तो आई वेट फॉर 2 मिनट्स, आप आराम से इन कमांड्स को नोट कर लें। जब आप नोट कर लें तो जस्ट गिव मी अ येस इन द चैट विंडो। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? फाइन। अब कोड कंपाइल कैसे करते हैं? बिन में आप है, मैं मान रहा हूं यू आर इनटू द बिन लोकेशन, क्योंकि बिन में ही आपने प्रोग्राम सेव करा है। कंपाइल करने का जनरल सिंटेक्स जो है, वॉच केयरफुली, जावा सी, ये जावा के कंपाइलर का नाम है, फॉलोड बाय पूरा नाम आपके प्रोग्राम का, कंप्लीट नेम ऑफ योर कोड। हमारे प्रोग्राम का नाम था test.java, तो हमारे केस में एग्जाम्पल हो जाएगा जावा सी test.java। पूरा नाम आपको लिखना है .java के साथ, वेयर जावा सी एज आई हैव मेंशन इज द नेम ऑफ जावास कंपाइलर, test.java जावा सी को पास करा जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। इसको आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के साथ कनेक्ट मत करिएगा, वो अलग चीज है जो स्ट्रिंग में आप देते हैं, ये आप कंपाइलर को प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं। जैसे ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपके प्रोग्राम का स्टार्ट हो जाएगा कंपाइलेशन, और अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं हुई तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम का कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड। इज इट क्लियर? कंपाइलेशन प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम का बाइट कोड कर देगा जनरेट। ओके, अब एक बेसिक डिस्कशन अपन लेते हैं, क्या क्या होता है जब जावा में आप कोड को करते हैं कंपाइल। व्हाट ऑल एक्टिविटीज टेक प्लेस व्हेनेवर वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा। ओके, ये स्क्रीनशॉट है। जैसे ही आप जावा सी test.java लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपके सामने दोबारा प्रॉम्प्ट आ जाएगा। दिस इज द प्रॉम्प्ट यू विल बी सीइंग। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो इस प्रॉम्प्ट का आना इस बात का इंडिकेशन है कि प्रोग्राम के कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपाइल टाइम पे कोई एरर आएगी तो आपको इसी कंसोल विंडो पे एरर्स दिखेंगी। वो सब मैं प्रैक्टिकल सेशन जो लूंगा आपका, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप ध्यान रखिए, C++ की तरह यहाँ कोई मैसेज नहीं आएगा सक्सेस या कॉन्ग्रेचुलेशंस जैसा C++ के अंदर आता है। यहां सिर्फ प्रॉम्प्ट दोबारा आ जाएगा ये बताने के लिए दैट एवरीथिंग इज ओके। करेक्ट? अब जब आप कोड कंपाइल करते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज इंटरनली होती हैं, व्हाट ऑल एक्शंस आर टेकन बाय द कंपाइलर व्हेनेवर वी कंपाइल आवर प्रोग्राम। ओके, इससे पहले कि मैं इस प्रोसेस को समझाऊं, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। राइट, 5 से 6 सेकंड का डिले होगा स्क्रीन में। राइट, वीडियो ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है ऑफ हो जाए, ऑडियो आपको सुनाई देगा। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग टू शेयर द स्क्रीन। Right, so सबसे पहले जावा के इंस्टॉलेशन को अपन चेक कर लें। जावा का इंस्टॉलेशन, C drive. Program files. Public static void main. मेरे यहाँ ऑलरेडी test.java एग्जिस्ट कर रही है, सो उसे ओवरराइट करने को कहा जा रहा है, सो आई विल डू दैट। आपके यहाँ क्योंकि ये फर्स्ट कोड है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, वॉइस आ रही है? ओके सर, ओके। सो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी स्क्रीन शेयरिंग में, आप चैट विंडो में प्लीज टाइप करें। वी आर हैविंग VizaiQ सपोर्ट टीम विद अस। जो भी इश्यूज आए होंगे आप लिखें प्लीज। स्क्रीन थोड़ी स्लो रही होगी। ऑडियो आ रहा था? ओके। वीडियो आ रहा था? ओके। जब स्क्रीन शेयर हो रही थी तब ऑडियो और वीडियो था, ऑडिबल था? ओके। ऑडियो ऑडिबल था, दैट वाज ऑडिबल वाइल शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन। ओके, राइट। सो आपने नोटिस करा होगा, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा था, cd कमांड से मैं बिन तक गया और वहां जाकर मैंने प्रोग्राम को करा कंपाइल, और कंपाइल ही करा अभी तक तो, राइट। रन करना भी मैं आपको बताता हूं। अब इंटरनली समझते हैं क्या कुछ होता है जब प्रोग्राम को आप करते हैं कंपाइल। ओके, जब भी आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंपाइलर दो मेन टास्क करता है। किसी भी दूसरे कंपाइलर की तरह जावा का कंपाइलर भी सबसे पहले लोकेट करता है आपके प्रोग्राम के अंदर आने वाली सिंटेक्स एरर्स को, चेक करता है क्या आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई सिंटेक्स एरर आ रही है। ओके, अगर आ रही है तो कंपाइलेशन वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है, कंपाइलर कोड कंपाइल नहीं करता। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं आती है तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम का बाइट कोड वर्जन जनरेट करता है फ्रॉम द सोर्स कोड। ये तो आप पहले से भी जानते हैं जावा के बेसिक से। अब इस बाइट कोड की क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं, हैव अ लुक ऑन दैट। सबसे पहली बात, बाइट कोड फाइल्स सेपरेट फाइल्स जनरेट की जाती हैं, यानी बाइट कोड फाइल्स .java फाइल से अलग फाइल्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन बाइट कोड फाइल्स का एक्सटेंशन कंपाइलर डॉट क्लास रखता है। सोर्स कोड का एक्सटेंशन आपने रखा था डॉट जावा, बाइट कोड का डॉट जावा नहीं होता, एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइट कोड फाइल्स का जो नाम जनरेट करता है कंपाइलर, वो एग्जैक्टली वही नाम होता है जिस नाम की आपने क्लास बना रखी है। आई रिपीट, कंपाइलर जब आपके कोड को कंपाइल करेगा तो सेपरेट फाइल्स बनाएगा विच आर कॉल्ड एज बाइट कोड फाइल्स। इन फाइल्स की दो स्पेशलिटीज होती है। नंबर वन, इनका एक्सटेंशन डॉट क्लास होगा और कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, डॉट exe जावा में नहीं बनती, सिर्फ डॉट क्लास फाइल बनती है। और इन फाइल्स का जो नाम होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जिस नाम के आपने क्लास बनाई थी। सो हमारे केस में अगर हम फॉलो करें तो हमारी क्लास का नाम टेस्ट था, तो हमारे लिए जो बाइट कोड फाइल बनेगी इट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट डॉट क्लास। करेक्ट। ऐसे इमेजिन करिए अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर तीन क्लासेस हैं, लेट्स से एक का नाम है कॉलेज, एक का नाम है फैकल्टी और एक का नाम है स्टूडेंट। लेट्स से मैं किसी कॉलेज के लिए कोई कोड लिख रहा हूं, तीन क्लासेस मैंने बनाई है, क्लास कॉलेज, क्लास फैकल्टी, क्लास स्टूडेंट, एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो जब मैं इसे कंपाइल करूंगा आई विल गेट 3 बाइट कोड फाइल्स, कॉलेज डॉट क्लास, फैकल्टी डॉट क्लास एंड स्टूडेंट डॉट क्लास। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा प्रोग्राम और क्लास का नाम लोग सेम रखना क्यों प्रेफर करते हैं। सो जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम के नाम से बाइट कोड नहीं बनता, बाइट कोड बनता है आपकी क्लास के नाम से। जिस भी नाम से आपने क्लास बनाई है उस नाम का बाइट कोड क्रिएट होगा और एक्सटेंशन डॉट क्लास जनरेट होगा। फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट क्लास होगा, नाम आपकी क्लास के नाम पे रखा जाएगा। सो अगर आपकी क्लास का नाम टेस्ट है तो बाइट कोड का नाम टेस्ट डॉट क्लास होगा, क्लास का नाम डेमो है तो बाइट कोड का नाम डेमो डॉट क्लास होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम का नाम आपने क्या दिया है, वो आप कंपाइलर को पास करेंगे, बट बाइट कोड प्रोग्राम के नाम पे नहीं क्लासेस के नाम पे बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? या इफ अ प्रोग्राम हैज 2 क्लास नेम्स, वही मैंने कहा, then 2 byte code files will be generated. Okay, now let's have an example of this. पहले सीख लें प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, फिर मैं आपको कंपाइलेशन के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड होता है जावा, जावा के बाद आपके प्रोग्राम, आपकी क्लास का नाम जिसके अंदर आपने मेन मेथड रखा है। आई रिपीट, नाम जावा होगा, ये कमांड का नाम है, और उसके बाद उस क्लास का नाम जिसमें आपने मेन रखा है। अब यहां पर एक सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है, आपको डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं देना है। ये बाइट कोड का ही नाम है जो आप पास कर रहे हैं, बट इसमें डॉट क्लास एक्सटेंशन आपको नहीं देना, वो कंपाइलर अपने आप लगा लेगा। ओके, और सॉरी जेवीएम अपने आप लगा लेगा। और यहां उस क्लास का नाम पास करना है जिसके अंदर आपने मेन मेथड रखा है। क्लियर? तो हमारे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमें लिखना चाहिए जावा टेस्ट, क्योंकि हमारे कोड के अंदर टेस्ट नाम की क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड हमने दिया है। सो आई रिपीट द प्रोसेस अगेन, प्रोग्राम को रन करने के लिए द कमांड टू बी यूज्ड इज जावा। ये जावा का एक टूल है जिसका नाम जावा है, आप इसे जेवीएम या इंटरप्रेटर भी बुला सकते हैं। जैसे ही आप जावा इंटरप्रेटर को अपनी क्लास का नाम देंगे, वो इसके आगे अपने आप डॉट क्लास लगाकर बाइट कोड फाइल में जाएगा। बाइट कोड फाइल क्लास के नाम पर ही बनती है, तो आपको क्लास का नाम देना है और उसमें सर्च करेगा मेन मेथड। राइट, जैसे इसे मेन मेथड मिलेगा ये मेन मेथड को करेगा कॉल, और यही वो स्टेज होगी जहां वो एरर आएगी अगर आपने मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args से अलावा किसी और प्रोटोटाइप का डिक्लेयर करा होगा। कंपाइलेशन फेज क्रॉस हो जाएगा, बट इस फेज में एग्जीक्यूशन पे आ जाएगी एरर। स्ट्रेट अवे आपको मैसेज मिलेगा दैट योर कोड इज नॉट हैविंग द करेक्ट वर्जन ऑफ मेन मेथड। ओके, सो अगर हमारे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस तरह से आप कोड को रन करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं जावा टेस्ट, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जो भी आपने टाइप करा होगा। अगर हेलो यूजर करा होगा तो हेलो यूजर, अगर सिर्फ हेलो करा होगा तो आउटपुट में आएगा जस्ट द वर्ड हेलो। इस स्लाइड के अंदर मैंने सिर्फ हेलो यूजर लिखा था, बट एग्जाम्पल में आपको लिखा था मैंने सिर्फ हेलो, सो यहां पर हेलो आएगा। क्लियर? तो कंपाइल करेंगे प्रोग्राम के नाम से, रन करेंगे आप उस क्लास के नाम से जिस क्लास के अंदर मेन है। क्लियर? सो अब आपको शायद समझ में आया होगा वाई पीपल प्रेफर दैट द नेम ऑफ क्लास एंड द नेम ऑफ प्रोग्राम शुड बी सेम, सो दैट दे जस्ट हैव टू रिमेंबर वन सिंगल नेम। उसी नाम से वो कंपाइल कर पाएंगे, उसी नाम से वो आपके प्रोग्राम को कर पाएंगे रन, उन्हें अलग अलग नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब अगेन आई शेयर द स्क्रीन और मैं आपको अपना कोड रन करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम कुछ और क्विजेज लेते हैं. एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? Okay, so I'll share the screen now. तो सबसे पहले cmd एज यूजुअल, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जाना है. राइट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अगेन द सेम विंडो विल बी ओपन. cd / एंटर, cd tab प्रोग्राम फाइल, डी जे टैब जावा. मैंने अपने यहाँ जेडी के 7 डाला हुआ है, इसलिए मेरे यहाँ 7 आपको दिख रहा है. आप 8 पे काम करें, इट हार्डली मैटर्स. जहां डिफरेंस आएगा वो मैं हाईलाइट जरूर कर दूंगा. देन सीडी जेडी के 1.7.0_45 मेरा वर्जन है, योज वुड बी 1.8.0_66. देन सीडी बिन, ओके. अब प्रोग्राम रन करने के लिए जावा फॉलोड बाय टेस्ट, राइट. एज सून एज विल स्ट्राइक एंटर की, द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड, दैट इज हेलो यूजर. ओके, अब जैसा मैंने आपसे कहा, मैं मेन में कुछ चेंजेस करता हूं. लेट्स से आई ड्रॉप द कीवर्ड पब्लिक. I simply write static void main. सेव करा प्रोग्राम मैंने. वापस से कंपाइलेशन पे आए. जावा सी टेस्ट डॉट जावा, नो एरर्स. प्रोग्राम वो सक्सेसफुली कंपाइल्ड. कंपाइलर ने कोड पास कर दिया इवन दो हमने पब्लिक हटा दिया था. जावा टेस्ट, नाउ लुक एट द स्क्रीन. जेवीएम की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args. Clear? So let's write public, and now let's interchange args and square bracket. As I said, इसमें कोई problem नहीं है. आप square bracket args के पहले बाद में कहीं भी लगा सकते हैं. So the code will successfully compile and run. जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ओके. कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई. जावा टेस्ट, रनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिर्फ स्ट्रिंग args रखा, सेव करा, कंपाइल करा, कंपाइल बिना किसी एरर के हो जाएगा. रन करा, अगेन द जेवीएम विल रिपोर्ट कि उसे मेन वैसा नहीं मिल रहा जैसा उसे चाहिए, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. क्लियर. सो कंपाइलर के लिए मेन सिर्फ एक मेथड है, उसके पास वो बेसिक चीजें होनी चाहिए जो एक मेथड के पास चाहिए, एंड दैट इज जस्ट द रिटर्न टाइप. आप स्टैटिक भी हटा दीजिए, पब्लिक भी हटा दीजिए, तो भी कोड आपका कंपाइल होगा बट रन नहीं होगा जब तक ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट या जीएस के हिसाब से ना बनाया जाए. So everything is clear. प्रैक्टिकल सेशन आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज स्क्रीन शेयरिंग में अगर आए हो तो? क्लियर एवरीथिंग? ओके. कितने सेकंड का डिले होगा श्रीनिवास? ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. अब आप इतने प्रैक्टिकल्स करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं थे आज. आप पहले इस पे थॉरो हो जाइए. कल फिर इसकी हम क्विज लेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होंगे. ओके, सो आप मेक वेरी श्योर आप इतना प्रैक्टिकल ज़रूर कर लें. और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्लास तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. आप scaLive4u@gmail.com पे मेल भेजिए. आई विल ट्राई टू आंसर दैट मेल बिफोर द क्लास बिगिंस, ताकि क्लास आए तो आपके पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो. बट आप प्रैक्टिकल प्लीज अप टू डेट रखिएगा और जितना आज हमने पढ़ा उतना कर लीजिएगा. स्लाइड यहां तक की मैं आपको कल भेज दूंगा. पिछले लेक्चर की स्लाइड्स आ गई थी, अप टिल 29 स्लाइड आई होंगी. स्लाइड्स नहीं आई आप लोगों तक? गूगल ड्राइव पे मैम ने शेयर कर दी है. आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाइए, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो भी करके दिखा देता हूं. जस्ट अ मोमेंट मैं आपको स्क्रीन देखें, आपके पास जो जीमेल के एप्लीकेशंस का ऑप्शन है उसमें आप ड्राइव पे जाइए. देन शेयर्ड विद मी पे क्लिक कीजिए. वहां आपको जेएसई बैच मिलेगा. इसको ओपन करिए. ये लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 है. लेक्चर 2 हमारा मंडे को था. लेक्चर 2 में आप आइए तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और ये सीधे डाउनलोड हो जाएंगे आपके सिस्टम पे. आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. आपको आया समझ में कैसे आपको एक्सेस करना है डेटा? जीमेल अकाउंट में जाकर गूगल ड्राइव पे आप जाएं, वहां पर हम लोगों ने सेव कर लिया। आप चेक कर लीजिए आपके सिस्टम पे होगा। नीरज, आर यू एबल टू सी दैट? ओके, तो यहीं पे हम लोग कल आज के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स अपलोड कर देंगे। ओके ओके देन, सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट एंड टेक केयर। और आप प्लीज जो फॉर्म आएगा, फीडबैक फॉर्म, वो फिल करिएगा। विज़ाइक्यू सपोर्ट टीम को उसकी जरूरत पड़ती है तो हमें वो भेजना पड़ता है। ट्रांसमिशन कैसा रहा, लेक्चर क्वालिटी कैसी थी, एक्सप्लेनेशन कैसा था, ये सारा कुछ आप उसको भरिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच।